गोवा के पणजी में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य IFFI को सामग्री निर्माण, फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, और यही नहीं OTT सीरीज का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहां पर हो रहा है। तो एक ऐसा मंच बना जहां टेक्नोलॉजी को लेकर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत कैसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ भारत को, दैट इंडिया शुड बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ये उत्सव क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं के आने और उनके काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस उद्घाटन समारोह में अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, सुनील शेट्टी, वरुण धवन और साना अली खान सहित फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। COVID-19 की दस्तक के बाद यह पहला मौका है जब फिल्म फेस्टिवल पूरे हर्षोल्लास से गोवा में आयोजित हो चुका है।